यहाँ पर जी मैं अपनी प्यारी बेटी अनाया को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। तो हानिया जो है वो घर पर ही होती है। हानिया इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ जी शाजिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विद शाजिया। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग? तो आज आज के व्लॉग का जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं अनाया को स्कूल से लेके घर वापस आ गई हूँ आज से। डियर व्यूअर्स, क्योंकि मेरी मॉर्निंग की रूटीन सेम ही होती है, तो आज मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए जो है आज के ब्लॉग के लिए कुछ वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करती। तो अभी जी मैं अनाया को स्कूल से लेकर आई हूँ, तो अब मैं साथ साथ अपने घर के काम करूँगी और साथ साथ ही आप लोगों के लिए ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। इस वक्त जी बच्चों की तो वही एज यूजल शरारतें शुरू हो गई हैं, तो अभी मैं जी अपने घर के रूटीन के काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर जी मैं अपनी प्यारी बेटी अनाया को स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। तो हानिया जो है वो घर पर ही होती है। हानिया इधर आओ। हानिया यहाँ आओ मेरे पास। मम्मा अनाया को स्कूल से ले आए। हाँ मेरा गुड्डा खेल रहा है। नहाना है आज, नहाए। तो जब भी मैं फिर अनाया को स्कूल से लेने के लिए घर से निकल रही हूँ, तो ओके ओके मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो जी घर के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लेना है, तो मैंने सोचा है कि अपना आप लोगों के साथ जो है व्लॉग की रिकॉर्डिंग भी आज आप लोगों के लिए की जाए। तो जी देखते हैं मैं रास्ते में अपना क्या काम करती हूँ। मैं जी कन्विंस के तौर पर आजकल जो है रिक्शे को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरा भांजा उस्मान मेरे पास था, आजकल वो नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे रिक्शे वाला बंदा जो है वो बहुत अच्छा मिल गया है। वो है तो क्रिश्चियन लेकिन बहुत ही ईमानदार है। तो यहाँ पर जी मैं सोसाइटी से बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। तो सोसाइटी से बाहर निकल के 5 मिनट का रास्ता है, और यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा फ्रूट मिल जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोसाइटी बहुत साफ़ सुथरी है, और सोसाइटी के अंदर ही ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। ग्रॉसरी भी मैं सोसाइटी के अंदर ही, हमारे यहाँ पे अल्फते मौजूद है, वहाँ से कर लेती हूँ। तो फ्रूट के लिए और सब्ज़ी के लिए मुझे सोसाइटी से बाहर जाना पड़ता है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ पर जी अब हम लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकल चुके हैं। अच्छा, ये मेरे साइड पे तो ये राइट बन रहा है, राइट साइड पे ये हमारे साथ ही बिल्कुल रिंग रोड है। ये भी बड़ी सहूलत है कि जैसे ही हम सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो रिंग रोड पे चढ़ के हम लोग शहर की ट्रैफिक से बचते हुए अपनी जो जो भी हमारी डिसाइडेड प्लेस है जहाँ पे हमने जाना है किसी काम के सिलसिले में, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये जी अब ये हम लोग जी सोसाइटी से बाहर निकल के आ चुके हैं। ये यहाँ पर ये फ्रूट्स वाले मौजूद हैं, काफ़ी इनके पास जो है ना फ्रेश और अच्छा फ्रूट मिल जाता है। यहाँ पर जी मेरे ये जो रिक्शे वाले भाई हैं, ये फ्रूट वाले के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो वो तो जी 300 रुपया रेट बता रहा था एप्पल का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी इसको जो है ना बहसों बाइसे के बाद 250 रुपया कराया है। तो ये 250 रुपये किलो सेब लिए हैं मैंने यहाँ पर, और साथ में ही जी ये केला लिया है, केला भी 150 रुपये दर्जन मिल गया है। तो ये फ़िश बड़ी अच्छी हुई है। यहाँ पर ये अमरूद हैं, देखिए देखने में भी कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। यहाँ से मैं जो है अमरूद ख़रीद रही हूँ, और ये फ़िश देखने में फ्रेश है, और है भी फ्रेश और अच्छी भी है। ये मैं पहले घर ले गई थी, और ले जाके मैंने बच्चों के लिए जो है कुछ सालन बनाया था और कुछ जो है कबाब बना लिए थे। यहाँ पर जी अपनी ये शॉपिंग करने के बाद फ्रूट्स की अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। ये हमारे घर वापसी का रास्ता है। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से अब जाते हुए हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा रिंग रोड का जो है, यहाँ पे ये देखें लेफ़्ट साइड पे ही हमें रिंग रोड का नज़र आ रहा है। फ्लाईओवर है, मतलब यहाँ पे जो है ना फ्लाईओवर बना हुआ है जो गुज़र रहा है, क्योंकि ये थोड़ी ऊंची प्लेस है। इसके नीचे जो है वो आम जो है शहर के ट्रैफिक की रोड्स हैं। ये जी अब हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे ये हम लोगों ने देखा है, यानी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है कि रिंग रोड है, इसी तरीके से ये जिस जगह से मैंने फ्रूट की ख़रीदारी की है उसके बिल्कुल साथ ही DHA का गेट है। मतलब सोसाइटी से बाहर निकलते ही DHA अटैच है साथ, और अंदर से जो रोड है वो DHA के अंदर भी जाके एक निकलता है। यहाँ पर एक हमारा सोसाइटी का मेन गेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ये जो सामने नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही सोसाइटी से निकलते हैं तो साथ ही जो है DHA का गेट आ जाता है। तो DHA के अंदर से होते हुए
हम लोग मेन सिटी में एंटर हो जाते हैं। जैसे ही हम लोग DHA को क्रॉस करके निकलते हैं तो साथ ही पैकेजेस मॉल आ जाता है और सेटोरस है। मतलब ये है कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी उनके लिए हम DHA के अंदर से गुजर के DHA के अंदर वाला जो है रास्ता यूज़ करते हैं। तो ये साथ ही अगर हम लोगों ने DHA के अंदर से नहीं जाना, थोड़ा डिस्टेंस लॉन्ग आ जाता है, तो ये जो इंटरचेंज है यहाँ पर बना हुआ रिंग रोड का, तो वहाँ से चढ़ के हम लोग जो है वो चले जाते हैं सिटी के अंदर अपना जो डिसाइडेड प्लेस होती है वहाँ पर। यहाँ पर जी मैं अपना इस वक्त अनाया को लेने के लिए उसके स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी प्यारी सी बेबी अनाया का स्कूल का टाइम हो चुका है। यहाँ पर जी हम लोग अनाया के स्कूल पहुँच चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रश बहुत कम है, छुट्टी होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, और अगर थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊँ तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। मॉर्निंग में भी यही कंडीशन है। मेरी ये रूटीन है कि मैं अनाया को सुबह 10 से 15 मिनट पहले स्कूल पहुँचा देती हूँ, ताकि जो है ज़्यादा रेस्ट भी बन सके और मेरी बेटी जो है सब्जी दे रहे। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये मेरे घर के ऊपर से प्लेन गुजर रहा है, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि इसकी वीडियो का क्लिप भी जो है मैं अपनी आज के ब्लॉग में डाल दूं, तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर जी अब हम लोग जो है घर पहुंच चुके हैं, और मेरी प्यारी सी बेटी अनाया जो है रोज़ की तरह घर का लॉक खोल रही है। हाँ जी, खुल गया मेरे बेटे से लॉक। नाइस, मेरा गुड्डा तो बड़ा हो गया, काम कर लेते घर के। शाबाश मेरा शहजादा, माँ की जान माँ सदके। चलो अब ढूंढते हैं हानिया क्या कर रही है। हेलो हानिया, कहाँ है? हेलो, बहू करो इसे डराओ। ओ, आपने मुझे डराना था। वे मेरा शहजादा क्या कर रहा था, डर तो नहीं लगा था? नहीं, मेरा बहादुर बच्चा। मुझे उधर कोई घोड़ा था, इसलिए मैं डर गई, छुप गई उधर। नया घर पहुंच गई है। कैसा लगा आज स्कूल? आपको भी लेना था अच्छा का। हानिया, आप ही घर आ गई है? आपको भी शेयर करूंगा। तो जी डियर व्यूअर्स, अनाया को लेके मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ, तो अब मैं आप लोगों के साथ अपना आज का आज की आप लोगों के साथ आगे की रूटीन शेयर करूंगी। तो बच्चों के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लेने थे, इसलिए मैं 15-20 मिनट पहले घर से चली गई थी। तो अब जो है मैं घर पहुंच गई हूँ, अभी मैं अनाया के कपड़े चेंज करूँगी, जल्दी से इन्हें कुछ खाने को दूँगी, इसके बाद फिर साथ साथ घर के काम करूँगी और साथ ही आप लोगों के लिए अपने ब्लॉग्स की रिकॉर्डिंग करूँगी। ज़्यादा तो नहीं की? चलो ठीक है, मैं अब आपको करवाने के लिए लेके जाती हूँ। चलें जी, अभी मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखूँगी, अनाया के कपड़े चेंज करूँगी और इनको जो है कुछ खाने पीने को दूँगी और साथ साथ ही अपने व्लॉग की रिकॉर्डिंग करूँगी। मामा, उसको क्यों मारोगी? नहीं मारूँगी, क्यों मारूँगी? मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं मारूँगी। हाँ जी, अभी आप दोनों के पैंपर्स चेंज करती हूँ। अनाया किसी स्कूल जाती है, सर्दी का मौसम है, इसे थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैं इसे भी पैंपर लगा कर ही भेजती हूँ। अभी अनाया थोड़ी सी परेशान इसलिए है कि इसने पैंपर में पीछी कर दिया है, क्योंकि ये इसे मैं लगा तो देती हूँ लेकिन इसे काफ़ी अरसे से मैंने पैंपर छुड़वाया हुआ है, तो इसको आदत नहीं है पैंपर की। लेकिन क्योंकि सर्दी है तो मैंने सोचा है कि इसको वॉशरूम जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो, मुश्किल ना हो, तो इस वजह से थोड़ी सी सैड है, तो अभी मैं इनको देखती हूँ। यहाँ पर आज क्योंकि फ्राइडे है तो मैंने इन दोनों को नहाए करवा दिए हैं। यहाँ पर
नहा लिया है और अनाया जो है वो अब बड़ी आपी होने का सबूत दे रही है। हानिया को क्रीम लगा रही है और उसके अलावा ओ गॉड माशाल्लाह पौरी भी थी मेरे बेटे ने, गुड। हानिया ऊपर मुंह करो, चलो पारी कराओ, हानिया पारी कराओ सीधा मुंह करके, अनाया मीठी वाली पारी करो, गुड। हानिया आप भी पारी करो, आप ही को ऐसे नहीं है ना, मेरी तरफ मुंह करो ना, चलो हानिया आप पारी करो, फिर करो फिर करो, गुड। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इन बहनों के प्यार को इसी तरह से कायम दायम रखे। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों ने नहा लिया है, अल्लाह ताला इनके प्यार को इसी तरीके से कायम दायम रखे। अनाया बड़ी बहन होने का सबूत दे रही है, हानिया को जो है क्रीम लगा रही है और मम्मा की हेल्प कर रही है, कह रही है मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी हानिया के तैयार होने में। हानिया अनाया अब इसके बाल भी सीधे करो, हानिया ऐसे नहीं, मम्मा तो यहाँ पर जी मेरी डेली की रूटीन जो है वो जारी हो सारी है, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे को बच्चों को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो दरमियान में वीक में भी एक दिन मैंने नहलाती हूँ, आजकल सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो एक मैंने फ्राइडे का डे रखा हुआ है और एक मैंने ट्यूसडे का डे रखा हुआ है। ट्यूसडे को और फ्राइडे को ये दो दिन इनको नहलाती हूँ। यहाँ पर अनाया जो है हानिया के बाल सीधे कर रही है, तो ये बच्चे जी मेरे नहा चुके हैं, अब मैंने बाहर चेयर्स लगा दूंगी अपने गैरेज में और इन्हें धूप में बिठा दूंगी। चलो हानिया अनाया अपने भी बाल सही कर लो बेटा, हल करो हक करो, चलो हक करो, वाह गुड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने नहा लिया, हानिया आप भी पारी करो, अच्छे कपड़े पहनाए हैं नहाए करवाए, चलो आप ही को पारी करो, जल्दी करो ना जल्दी, गुड माशाल्लाह। अब आप आपको मैं बाहर गिराज में बिठा दूं, चलो आओ चेयर्स लगाइए, चलो कौन से खिलौने, पहले फ्रूट्स खाने हैं ना उसके बाद फिर खिलौने, पहले मैं जाऊंगी। चलो आप अपनी चेयर को सही करके रखें, धूप में दीवार के साथ लगाने से। यहाँ पर जी बच्चे बैठ के थोड़ी देर धूप में खेलेंगे, बड़ी अच्छी धूप है यहाँ पर, इस मौसम में धूप बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, तो इनको कुछ खाने को भी दे दूँगी। खेलने लगे हैं, नीचे तो ना गिराएं ना बेटा, आने ऊपर ऊपर खानी है बनाया, ऊपर देखे मेरी तरफ आनिया हेलो कर, मम्मा जिसमें पैसे ले लानी है जो जो उसमें ला के आप पैसे ले, अनाया हेलो करें, चेरी नहीं ला रही अनाया, यहाँ पर जी अब मैं इनको जो है खाने के लिए कुछ फ्रूट्स काट कर दूंगी, एप्पल लेकर आई हूँ मैं, ये बनाना है और यहाँ पे इसमें जो है कुछ ये अमरूद है, ये मेरे प्यारी प्यारी बेटियों के फेवरेट है, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, मैंने काट के जो है प्लेट बना के देती हूँ ताकि ये वहाँ धूप में बैठ के खाएं। अच्छा एक तो ये कि इन फ्रूट्स को मैं बास्केट में डालूंगी, पहले बच्चों को काट के दे देती हूँ, उसके बाद ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये मेरे कोई तकरीबन जो है 20 से 25 दिन की जो थी वो दूध की भलाई जमा हो गई है, अब इसको मैंने ऐसे इस बर्तन में डाला है और ये हैंड बीटर है मेरा इस तरह का, इसके साथ मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाती हूँ। अच्छा मैं क्या करती हूँ, ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक काम शुरू करके उसको लेके बैठ गई, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, बीच में कोई और काम मिल गया उसे कर लिया, तो ये थोड़ी देर पड़ा रहता है क्योंकि ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़र से तो मैंने इसे निकाल लिया था, इसको मेल्ट किया, फिर उसके बाद इसको थोड़े मतलब टाइम के लिए फ्रिज में रख दिया था कल, तो
अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो है एक गिलास के करीब पानी डाला है और इसको मैं बस ऐसे 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 घुमाऊंगी, तो ये इस तरह से मैं थकूंगी भी नहीं और साथ साथ मेरे बाकी काम भी होते जाएंगे और ये भी साथ में रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसे देसी घी बनाऊंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये एक हाथ से मैं इसको पकड़ लेती हूँ और दूसरे हाथ से इसको पकड़ के तेज़ तेज़ ऐसे घुमाती हूँ ये इस तरीके से, तो ये बड़ा अच्छा मेरा जो है क्विकली जो है जल्दी से मक्खन बन जाता है। वही बात है कि मैं इसको स्टार्ट करके साथ में अपने बाकी काम भी करती रहती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आके इसके पास खड़े होकर इसे थोड़ा सा घुमा देती हूँ, इस तरह घुमाते घुमाते जो है ये इसमें मक्खन बन जाता है और उसका फिर देसी घी बनता है। पहले मैं आपको कुछ खाने के लिए दे रही हूँ ना। अच्छा, आप यहाँ तो आओ, मम्मा की हेल्प तो करो, इधर आओ। आप देखो कौन सी प्लेट आपको चाहिए, खा लो जल्दी से। एक जैसी प्लेट्स हैं, दिखाओ, इधर मुंह करो, मेरी साइड मुंह करो, दोनों उठा लोगे? चलो ले लो हानिया, बैठो बैठ, दिखाओ। बिल्कुल आपने ना ये मट्टी में हाथ नहीं लगाने, ठीक है, जम्स लगेंगे। चले फोक के साथ खाएं, है ना, इसको भी खाना सिखाएं हानिया, तरीका बताएं। खाने देखो ना आपको तरीका बता रही है हानिया, खा रहे हैं आप? वन 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 लगाए, हैंड अपने नहीं लगाने साथ, ठीक है? नहीं नहीं, मैनू पता सी आज आ जाना, बंदे नू पता लग जाता ना बंदे दा नाल चल के, मैं क्या अज तो आऊगी ता ही मैं फोन नहीं किया, मेरे दिल च कोई डर वहम है ही नहीं सी। टीचर और स्टूडेंट का ड्रामा चल रहा है। हानिया नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, दिखाओ ऊपर मुंह करो, अच्छा लग रहा है? चलो साथ में एक आपने बनाना खाना है और एक आपने अमरूद खाना है प्यार, ठीक है, गुड। यहाँ पर जी मेरी काम वाली बाजी जो है वो काम कर रही है और साथ साथ जो है मैं भी अपने काम कर रही हूँ, तो साथ साथ हमारी गपशप भी चलती रहती है। ये मैं आपको दिखाने लगी थी, ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, इसके पत्ते कितने फ्रेश हैं, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने रब की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी है जिनका हम हर पल शुक्र अदा करें तो वो भी कम है। तो ये अमरूद भी बिल्कुल फ्रेश थे और एप्पल भी बहुत ज्यादा फ्रेश है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ही इनको दरख्त से उतारा गया हो, इसलिए हमें जी अल्लाह ताला की नेमतों का हर वक्त हर पल शुक्र अदा करना चाहिए। बनाना भी अच्छा मिल गया मुझे, तो ये जी फ्रूट्स हैं जो मैंने बच्चों के लिए लिए। यहाँ पर फातिमा मुझे अपनी फैमिली की स्टोरी सुना रही है कि हमारी फैमिली में बुजुर्गों की उम्रें काफ़ी लंबी होती हैं, 100 साल से ज़्यादा उम्र में जाकर हमारे बुजुर्गों की डेथ होती है। मेरे प्यारे बच्चों ने कारी साहब से पढ़ लिया है, हानिया अच्छा काम लिखा है आपने, नाया आपने अच्छा काम लिखा है। मम्मा मैं आपको बेड बनाकर दिखाऊं। यहाँ पर जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कारी साहब से पढ़ लिया है और ये बोर्ड पर जो है अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम तक तो मैं इन्हें बोर्ड पे ये एक्टिविटीज़ करने देती हूँ, लेकिन एक टाइम के बाद ये सिपारा उठा के मुझे दे दे, वरना ये अपने हाथ अपना मुंह अपना सब कुछ जो है बोर्ड मारकर से ब्लैक कर लेते हैं। थैंक यू मम्मा ने, थैंक यू, ऐसे फिर बेड बन गया। यहाँ पर जी ये मैं बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने लगी हूँ। ये थोड़ा सा सालन मैंने गरम किया है क्योंकि दो ही रोटियाँ बनाई हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा तो खाना नहीं है। साथ में मैंने ये फिश के जो है शामी कबाब बने हुए हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ, वो मैं सोच रही हूँ कि एक एक इनको खिला दूँ, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर इनको खिला दूँगी।
रोटी मैंने बना के इधर रख ली है। बहुत कम होता है इनको मैं सुलाती हूँ, लेकिन आज मेरे कुछ एक दो घर के काम करने वाले हैं। तो ये जी मेरे कबाब भी रेडी हो गए हैं, तो फ्लेम को अभी मैं ऑफ कर दूँ। जहाँ पर जी ये मेरे दोपहर का खाना रेडी हो गया है, ये मैं लेकर जाऊँगी। दस्तरखान मैंने पहले ही बिछा दिया है और बच्चों को बिठा दिया है। यहाँ पर जी एज़ यूजल इन दोनों का झगड़ा हो गया है। अनाया ने हानिया को मारा है। मारना ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा ही, मतलब एक दूसरे को ये लोग या तो पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, या फिर एक दूसरे से कोई चीज़ पकड़ के खींच लेते हैं। तो हानिया का मूड ऑफ है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों की आपस में सुलह करवाऊँगी, उसके बाद खाना स्टार्ट करवाऊँगी। मैं हैप्पी बर्थडे कर लूं, उनकी मम्मा जल्दी भाग के आई थी। वाह, उनकी मम्मा भाग के आई थी। मम्मा पहले मैं सुनाऊंगी। चलिए सुनाएं। एक ना डॉल्फिन थी, डॉल्फिन छोटी डॉल्फिन ने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे हैप्पी बर्थडे करनी है दोस्तों के साथ। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसने अपने फ्रेंड्स को बताया। पता है किसे? स्टारफिश। ऐसे ऐसे स्विमिंग करके गई थी वो स्टारफिश के घर। पहुंचकर स्टारफिश को कहा कि आप मैं माय पार्टी, आप आ जाओगे मेरे घर। तो फिर उसने बता लिया, वो ऐसे ऐसे चल के आ गई। हाँ, यहाँ पर जी बच्चे मेरे सो चुके हैं दोनों, बड़े मज़े से सो रहे हैं। आज इनको नहलाया है, तो नहाने से बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है। ये है जी मेरी प्यारी सी बेटी हानिया और ये अनाया। तो आप लोगों को तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों सो रहे हैं। तो जी डियर व्यूवर्स, इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अनाया और हानिया की लाइफ रूटीन को एंजॉय कर सकें। इसके साथ मुझे शाहजनाज को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।